2015 में कर्नाटक की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी सर्वे यानी जाति जनगणना ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर प्रभावशाली जाति समूहों ने सरकार पर रिपोर्ट को स्वीकार न करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस दुविधा में दिख रही है। ये दुविधा क्यों है और किस लिए है? सबसे पहले आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र स्तर पर 2024 का चुनाव जीतने के बाद पिछड़ी जातियों की स्थिति को जानने के लिए जाति जनगणना कराने की घोषणा कर रही है। 2024 के चुनाव जीतने की जो उसका लक्ष्य है उसके लिए ये घोषणा करा रही है, मगर कर्नाटक में 4 साल पहले कराई गई जाति जनगणना की रिपोर्ट को कांग्रेस की राज्य सरकार आज भी लोगों के सामने नहीं ला पाई, ये सच्चाई है। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद राज्य की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई। जहां कांग्रेस 2024 के चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीतने के बाद ये कर रही है कि वो जातिगत जनगणना लाएगी, पर कर्नाटक में ये सवाल उठ रहा है कि 4 साल पहले जनगणना कराई गई थी, सरकार होते हुए भी अभी तक वो सामने क्यों नहीं है। आप बता दो, प्रदेश की प्रभावशाली जातियां वोकालिगा और वीरशैव यानी लिंगायत, जिनके पास काफी भूमि है, साथ मिलकर सभी राजनीतिक मंचों पर इस रिपोर्ट को अवैज्ञानिक बताकर यानी कि सही नहीं बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। इनमें ऐसे प्रभावशाली नेता भी हैं जो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और इस रिपोर्ट के भविष्य को तय करेंगे। आपको बता दो, नवंबर में डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार और अन्य वोकालिगा मंत्रियों ने रिपोर्ट के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किया था, जिससे पार्टी के भीतर मतभेद उजागर हुआ। वहीं पिछले हफ्ते वीरशैव लिंगायत समाज ने सरकार से पिछली रिपोर्ट को रद्द करने और नया सर्वे की मांग की है, और इस याचिका पर कई नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए हैं, जिनमें एमपी पाटिल भी शामिल है, जिन्हें सिद्धारमैया गुट का माना जाता है। अब अगर पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना की रिपोर्ट को स्वीकार करने का वादा किया था, हालांकि माना यह जा रहा है कि पार्टी इस कदम से होने वाले फायदे और नुकसान का अनुमान लगा रही है। वहीं लीक हुए डेटा से यह पता चलता है कि प्रभावशाली समुदायों की जनसंख्या उम्मीद से कम, इसलिए यह मामला सामने नहीं आया। इस मसले में दो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जातियों और उनके संगठनों को एक साथ ला दिया, जो अब तक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों प्रमुख जातियां राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा के लिए अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल हैं। एक और जहां बिहार की बात करूं तो बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद राज्य की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी, अभी भी चर्चा में कई जगह राजनीतिक गतिविधियां हो रही है। वहीं अन्य पिछड़ी जातियां कांग्रेस सरकार से चुनाव में किए अपने वादे को पूरा करने का दबाव बना रही है। पिछले कुछ हफ्तों में यह मामला इसलिए भी ज्यादा तुल पकड़ रहा है क्योंकि के जयप्रकाश हेगड़े का कार्यकाल कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष के रूप में नवंबर में खत्म हो गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब ये सवाल सामने आ रहा है, तुल पकड़ रहा है कि ये मामला अभी तक क्यों नहीं आया, वादा पूरा क्यों नहीं किया गया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार में उनके कार्यकाल को जनवरी 2024 के अंत तक इसलिए बढ़ा दिया है ताकि वह रिपोर्ट को पूरा कर उसे जमा कर सके, क्योंकि कार्यकाल तो उनका नवंबर तक खत्म हो गया लेकिन उसे बढ़ाकर कर दिया गया है जनवरी 2024 तक। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना रिपोर्ट को जमा कर सके इसलिए उनकी कार्यावधि को बढ़ाया गया। वहीं हेगड़े की टीम पिछले अध्यक्ष एच कंथराज द्वारा 2015 में इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर नई रिपोर्ट तैयार कर रही है, जहां पिछली रिपोर्ट को सरकार के पास इसलिए नहीं जमा किया गया इसका क्योंकि सदस्य सचिव ने उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। अगला तो अन्य पिछड़ी जातियां यानी ओबीसी कांग्रेस सरकार से चुनाव में किए अपने वादे को पूरा करने का दबाव बना रही है। पिछले कुछ हफ्तों से ये दबाव बन रहा है, पूरे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है, ये दबाव बना हुआ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर। और ये मामला तुल पकड़ रहा है क्योंकि जयप्रकाश हेगड़े का कार्यकाल कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए जो वो है उसके लिए नवंबर में खत्म हो गया। अब 2 महीना जो बढ़ाया गया है यानी कि जनवरी 2024 तक,
तब तक उसे ये कयास लगाया जा रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में वो रिपोर्ट सामने लाए, आखिर है क्या वो। अब तो इसके साथ ही वह तस्वीर साफ होगी कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा से किस समुदाय को लाभ पहुंचा। जी हाँ, ये जब रिपोर्ट सामने आएगी तो ये पहुंचेगी इस कैटेगरी पे। जातिगत बात की जाती है कि इस जातिगत इस कैटेगरी लोगों को इतना जॉब दिया गया, ये गया है, ये बात सामने तब आएगी, ये स्पष्ट हो जब ये डाटा सामने आएंगे। वहीं उनका तर्क है कि रिपोर्ट का विरोध करने वाले समुदाय ये नहीं चाहते कि उनको सही स्थिति लोगों के सामने आए, जो वास्तविक जो डेटा है, वास्तविक जो आंकड़ा है, वो सही स्थिति लोगों के सामने आए, क्योंकि इससे राज्य की राजनीतिक में उनके महत्व में कमी आने का खतरा है। वहीं कंथराज आयोग के सदस्यों का दावा है कि जनगणना का काम वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, एक खोज तरीके से, अनुसंधानिक तरीके से। वहीं मुख्यमंत्री जो रिपोर्ट के नतीजों को स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट जारी होने के बाद पिछड़ी जातियों के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर देगा। उन्हें दोनों प्रमुख जातियों से रिपोर्ट सामने आने तक टिप्पणी न करने और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा गया, इसी को लेकर, ताकि वो धैर्य बनाए रखें। वहीं जहां दोनों प्रभावशाली जातियां सरकार पर सर्वे की रिपोर्ट को अस्वीकार न करने का दबाव बना रही है, वहीं 250 से अधिक अति पिछड़े वर्ग की जातियां जिनका राजनीतिक प्रभाव कम है और जिन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, अभी भी रिपोर्ट के जारी होने का इंतजार कर रही है। ये दो पहलू जो बने हुए हैं, ये कर्नाटक में एक बड़ा सवाल किया। ऐसे में आने वाले समय में ये क्या बाहर आता है, क्या सरकार इसको लेकर आती है रिपोर्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मायने यहाँ पे राजनीतिक को लेकर अलग कई चित्र किसे देखे जा रहे हैं। अंजाम अब क्या होगा, ये रिपोर्ट आने के बाद दिखा जाए कि ये जब रिपोर्ट वाकई में कितना सही है और क्या आंकड़ा दिखाता है, उनकी वादों को कितना हद तक वो पूरा करते हैं, कितना हद तक अभी भी आसार में, यानी कि आशा में दिखाई दे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.